नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम शांति शांति शांति। यजुर्वेद का यह पवित्र मंत्र जिसमें हम शिव की उपासना करते हैं कि वह शिव जो इस संपूर्ण जगत का कल्याण करते हैं, वह शिव जो जगत के कणकण में हैं और सबको ज्ञान देते हैं, सबको दिव्य संवेदनाओं से भरते हैं, दिव्य प्रेम से भरते हैं, सबका सृजन करते हैं और सबका पालन करने वाले और अंततः अपने भीतर समा लेने वाले हैं, ऐसे शिव हम उस शिव को प्रणाम करते हैं। यह वैदिक उपासना जिसमें शिव तत्व को सर्वश्रेष्ठ तत्व का है और संस्कृत व्याकरण में भी यदि शिव शब्द का अर्थ बोला जाए तो शिव कल्याण धातु से कह प्रत्यय करके दशक तद्धिते तस्य लोपः और शिव शब्द की उत्पत्ति होती है जिसका अर्थ होता है जो सबका कल्याण करने वाले हैं। एक तो वो शिव हैं जो पार्वती के आराध्य हैं, कैलाशपति हैं और काशी नरेश हैं। एक वो शिव हैं जो गणेश और कार्तिकेय के पिता हैं। एक वो शिव हैं जो जगत पिता हैं, माने पार्वती पति में, कैलाश पति में, जगत पति में और जगत पिता में कोई भेद नहीं है। एक तो हमारी अभेद दृष्टि है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वम अनुपश्यत यत्र विश्वं भवत्येकनिदम् एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं यनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नैतरेषां। एकम ब्रह्म, एक ही ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, सब कुछ उसी से संचालित है और अंततः उसी में सब कुछ विलीन होता है। ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। इस दृष्टि से तो एक ही शिव तत्व सर्वत्र है जिसको हम ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म कहें, वासुदेवः सर्वम कहें, सियाराममय सब जग जानी कहें, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तीन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रध कस्य सिद्धं। तो शिव तत्व को हमने अनेक रूपों में जो एक है उस रूप में स्वीकार किया है। अब हम अष्टाध्यायी से लेकर के व्याकरण शास्त्र से लेकर के संपूर्ण वेद शास्त्र और ये सारी सृष्टि, इसकी उत्पत्ति हम शिव से मानते हैं। जब हम अष्टाध्यायी पढ़ा करते थे अयोन रिलिक योंग अयउच हयवरट लण यमंगणनम जभय घड़ दस ख फ छठ थ चट तव कप शश शरहल, ये प्रत्याहार सूत्र हैं और यहाँ से प्रारंभ होकर फिर वृद्धि रादई चादीन गुण इको गुण वृद्धि न धात लोप अर्ध धात कि गीति च दीधि विविटाम हलोनंतरा संयोग मुखनासिका वचनो ननासिका तुल्यास्य प्रयत्नम श्रवणम ना जलो विदिदे द्व्यचनम प्रक्रियम अदस मात्शे निपात एकाजनांग से लेकर के और अ तक, माने सारा शब्द शास्त्र, सारे दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्र, हमारी सारी संस्कृति सभ्यता और सनातन ज्ञान परंपरा, ये सब शिव तत्व पर आधारित है। और शिव उपासना का पर्व है ये शिवरात्रि। तो प्रथम तो मैं पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से और
अपने इस भारत की संन्यास परंपरा की ओर से हमारे गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि से लेकर के स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद आदि ऋषियों की संन्यासियों की जो दिव्य परंपरा रही है उस ऋषि परंपरा संन्यास परंपरा की ओर से भारत की संपूर्ण अध्यात्म सत्ता की ओर से आप सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। और शिवरात्रि की इस पूर्व संध्या पर हम कैसे शिव उपासना करें इस संदर्भ में जो शास्त्रों में हमने पढ़ा है और योग साधना करते हुए सेवा करते हुए और पूरे इस अध्यात्म में जो हमने सीखा है वो आपसे साझा कर रहा हूं। उपासना का अर्थ है वैसा हो जाना। तीन शब्द हमारे यहां पर प्रयोग किए जाते हैं अध्यात्म में, स्तुति प्रार्थना उपासना। वैसे इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ज्ञान कर्म उपासना भी कहते हैं। ज्ञान कर्म उपासना मनसा वाचा कर्मणा, शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना, ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग, या जो है त्रयी विद्या, या इसको हम ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद के रूप में जो हमें अपुरुषे ज्ञान मिला है, कोई भी शब्द हम बोलें तीन शब्दों में संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण अध्यात्म भारत की सारी वेद परंपरा यह जो सनातन आर्ष संस्कृति है वो समाहित है। स्तुति अर्थात भगवान की हम उपासना करते हैं कि प्रभो आप महान हैं, आपकी रचना महान है, आपके कर्म महान हैं, आपकी कर्मफल व्यवस्था न्याय व्यवस्था आपका ये सारा सृजन, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। माने भगवान अनंत गुण कर्म स्वभाव युक्त हैं, अनंत ज्ञान अनंत विज्ञान अनंत प्रेम करुणा वात्सल्य अनंत संवेदना अनंत सामर्थ्य अनंत ऐश्वर्य अनंत प्रसन्नता अनंत सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य, ऐसे भगवान का जो अनंत सामर्थ्य है या अनंत ऐश्वर्य है या भगवान के जो अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, भगवान के इस स्वभाव को ही भगवान का स्वरूप कहते हैं। माने भगवान को अनेक स्वरूपों में भगवान के अनंत गुण कर्म स्वभावों को स्मरण करते हुए उसकी महिमा को अनुभव करना, इसको कहते हैं स्तुति।